हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी के लिए न्यू जॉब का अपडेट लेकर आ गए हैं और आज हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे डीमार्ट इंडिया के रिक्रूटमेंट के बारे में। डीमार्ट में लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आ गया है जिसके बारे में इस वीडियो में आपको अपडेट करेंगे। डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ पे डीमार्ट इंडिया में आपको किस किस पद पे किस किस पोस्ट पे जॉब देखने को मिलेगा, टोटल यहाँ पे वैकेंसी कितना निकाला गया है, जॉब का यहाँ पे ऑफिशियल प्रोफाइल ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे निकालना है, योग्यता क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है और कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, यानी कि जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं कैसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आवेदन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, काफ़ी सारी जानकारी आपको इसी एक वीडियो में दिया जाएगा। एंड आप लोग यहां पर भी देख सकते हैं डीमार्ट में न्यू रिक्रूटमेंट आ गया है, नो फीस है, फ्री में अप्लाई होगा। 40 प्लस यहां पे वैकेंसीज हैं, यानी कि 40 से ज्यादा अलग अलग पदों पे अलग अलग लोकेशंस पे यहां पे जॉब देखने को आपको मिलने वाला है। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं गुड सैलरी मिलेगा अकॉर्डिंग आपके पोस्ट और यहां पे कंपनी के रूल के हिसाब से मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट यहां पे बहुत अप्लाई कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अप्लाई करना स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, तो इसी बात पर वीडियो को लाइक करना है, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और एक अच्छा सा कॉमेंट कर दीजिएगा। यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर ऑल इंडिया के लिए जॉब है, तो ये भी बहुत बड़ी आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी होने वाला है। तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, सारी जानकारी इस वीडियो में दिया जाएगा, बस वीडियो पे बने रहना है। एंड हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जरूरी जानकारी दे दूं, यहां पे देखो यार फ्री में जॉब मिलता है, कोई चार्जेस नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई कॉल करके मेल करके किसी भी प्रकार का नौकरी के लिए पैसे की मांग करे तो आपको किसी को कोई भी पैसा नहीं देना है नौकरी के झांसे में आके। अब यहां पे जॉब का डिटेल निकालने के लिए सिंपल सा स्टेप यह है कि आपको अपने फोन में कोई भी ऐसा ब्राउजर ओपन करना है और सर्च बॉक्स में सर्च कर लेना है पिक्सेल टेक जॉब, PIXEL पिक्सेल TECH टेक JOB इतना टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे पिक्सेल टेक जॉब सर्च करोगे तो टॉप पे वेबसाइट आ जाएगा, पिक्सेल टेक जॉब डोमेन नेम भी देख सकते हैं pixeltech12.blogspot.com, इस वेबसाइट पे आपको विजिट करना है, क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको मल्टीपल जॉब्स के अपडेट आर्टिकल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इस वेबसाइट पे आने के बाद दोस्तों क्या करना है, सिंपल सा काम है, यहाँ पे हमें डीमार्ट इंडिया का जॉब का डिटेल निकालना है। सो इसके लिए दोस्तों थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको कैटेगरीज मिलेगा, कैटेगरीज में आपको मल्टीपल यहाँ पे लेबल मिल जाएंगे। सो यहाँ पे आपको ढूंढना है यहाँ पे डीमार्ट इंडिया का जॉब का लेबल, ये रहा डीमार्ट का जॉब का लेबल, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डीमार्ट का जॉब का आर्टिकल आ जाएगा, यह आर्टिकल आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आर्टिकल ओपन हो जाएगा, इस आर्टिकल में आपको जॉब के बारे में सारा जानकारी मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डीमार्ट में जॉब वैकेंसी आ गया है, अप्लाई यहाँ पे ऑनलाइन होगा फॉर मल्टीपल वैकेंसीज और यहाँ पे डीमार्ट कंपनी होने वाला है, टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 40 प्लस होने वाला है। और यहाँ पे करंट ओपनिंग देख सकते हैं, यानी कि किस किस पोस्ट पे जॉब है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव फ्लोर का जॉब है, असिस्टेंट मैनेजर का जॉब है और यहाँ पे कैटेगरी में आपको HR एग्जीक्यूटिव का जॉब देखने को मिलेगा और स्टोर ऑपरेशन का जॉब देखने को मिलेगा, असिस्टेंट मैनेजर का जो जॉब देखने को मिलेगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जॉब देखने को मिलेगा, ऐसे से करके आपको मल्टीपल कैटेगरीज में जॉब देखने को मिलेगा। टोटल यहाँ पे 40 प्लस वैकेंसीज हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जॉब की कमी नहीं है, बम्पर भर्ती है अलग अलग लोकेशंस पे, जैसे कि कर्नाटका हो गया और यहाँ पे तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मुंबई हो गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं बेंगलुरु हो गया, सूरत हो गया, गुजरात हो गया, काफ़ी सारे लोकेशंस में यहाँ पे भर्ती है। बाकी यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई यहाँ पे ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, बस वीडियो पे बने रहना है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है कि यहाँ पे इंडियन कैंडिडेट मेल फीमेल बहुत अप्लाई कर पाएंगे, फ्रेशर कैंडिडेट एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। एज यहाँ पे दोस्तों 18 या फिर 18 प्लस ही रहता है। अधिक जानकारी के लिए जॉब का नोटिफिकेशन वेरीफाई करिएगा जो कि आगे आपको मिलेगा। और बात कर ले यहाँ पर अगर हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सिलेक्शन यहाँ पे टेस्ट इंटरव्यू जो भी होगा यहाँ पे कंपनी के रूल के हिसाब से होगा। अधिक जानकारी के लिए जॉब नोटिफिकेशन वेरीफाई करिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह मांगा जाता है। सैलरी पैकेज गुड मिलेगा अकॉर्डिंग आपके पोस्ट और यहाँ पे कंपनी के रूल के हिसाब से हैंडसम सैलरी मिलेगा। एप्लीकेशन फीस फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे लास्ट डेट अप्लाई सून है, सो आपको फटाफट अप्लाई करना है और जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लेना है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कैसे अप्लाई करना है तो बता देते हैं, सिंपल सा काम है, ये जो आर्टिकल है पढ़ लो, पढ़ने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है। बाकी ये आर्टिकल का डायरेक्ट लिंक चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आ सकते हैं। इस आर्टिकल को रीड करने के बाद नीचे की तरफ यहाँ पे मिलेगा अप्लाई का लिंक, आपको अप्लाई का लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे अप्लाई का लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोग रीडायरेक्ट हो जाएंगे एक न्यू पेज पे, जैसा कि देख सकते हैं ये है डीमार्ट का जॉब का पेज। अब इस पेज पे आने के बाद क्या करना है, सिंपल सा काम है, यहाँ पे आपको सर्च जॉब्स के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे सर्च जॉब्स के बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी यहाँ पे लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है डीमार्ट इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपको किस पोस्ट पे अप्लाई करना है, कौन सा प्रोफाइल यहाँ पे आपको व्यू करना है, यहाँ पे जॉब की कमी नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे डेमो के लिए एजुकेशन के लिए कोई भी प्रोफाइल व्यू करते हैं और आपको अप्लाई करना सिखाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफी सारा यहाँ पे पोस्ट है, काफी सारा यहाँ पे प्रोफाइल निकाला गया है, यहाँ पे जॉब की कमी नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी पोस्ट सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम आपको अप्लाई करना बता सकते
सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं तेलंगाना हैदराबाद लोकेशंस का जॉब है, जो कि एसआर ऑफिसर गोडाउन का जॉब है। इसके लिए करना अप्लाई, इस पोस्ट का प्रोफाइल व्यू करना है, तो हम यहाँ पर ऐसा क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जॉब का प्रोफाइल नोटिफिकेशन आएगा, जैसा कि देख सकते हैं। जैसे कि जॉब का टाइटल क्या है, यहाँ पर है लोकेशंस वगैरह दिया गया है, पोस्टेड डेट है, इसके साथ साथ यहाँ पर पोजिशंस है, एक्सपीरियंस का डिटेल है, एजुकेशन में डिप्लोमा या एनी ग्रेजुएट मांगा गया है, बाकी यहाँ पर लोकेशन देख सकते हैं, और अप टू एज बताया गया है, और स्किल्स बताया गया है। जॉब का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है जो आप पढ़ सकते हैं, और अगर आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो सिंपल सा स्टेप है, यहाँ पे अप्लाई का बटन है जिस पर आप क्लिक करके फ्री में कर सकते हैं अप्लाई। कैसे करना है आपको, यहाँ पे अप्लाई का बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे अप्लाई का बटन पर क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज आएगा। यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा काम है, यहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर करना है, ठीक है। रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज आएगा। यहाँ पर क्या करना है आपको, अपना जीमेल आईडी एंटर करना है, तो जो आपका जीमेल आईडी है यहाँ पे एंटर करिएगा। फिर यहाँ पे रिपीट जीमेल आईडी, ईमेल एड्रेस, तो सेम ईमेल एड्रेस टाइप करना है। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक पासवर्ड देना है, फिर यहाँ पे एक रिपीट पासवर्ड, सेम पासवर्ड देना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम देके सबसे पहले तो यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे लॉगिन करना है। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना है, डायरेक्ट हम यहाँ पे साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लॉगिन करके आपको अप्लाई करना सिखाएंगे। अब यहाँ पे आपको वही जीमेल एड्रेस, वही पासवर्ड देना है जो कि आपने यहाँ पे रजिस्टर करते समय दिया था, देन साइन इन के बटन पे क्लिक करना। जैसे साइन इन के बटन पे क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने एक न्यू पेज आएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। अब ये जो पेज है, ये अप्लाई फॉर्म है, इसे आपको भरना है। अब ये फॉर्म कैसे फिलअप होगा मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सा स्टेप है। अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ये सब सारा डिटेल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सारा डिटेल फिल करिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे रिज्यूमे, तो यहाँ पे अपलोड सीवी रिज्यूम पे चूज फाइल पे क्लिक करके आपको अपना रिज्यूमे अपलोड कर देना है, क्योंकि रिज्यूम से ज़्यादा जानकारी देखा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप लोग रिज्यूमे अपलोड करिएगा। रिज्यूमे अपलोड करने के बाद दोस्तों क्या आ जाएगा, जैसे आप यहाँ पे रिज्यूमे अपलोड करते हैं, फिर इसके बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना एजुकेशन डिटेल देना है, ठीक है। एजुकेशन डिटेल में जैसे कि आपका यहाँ पे जो आपका यहाँ पे इंस्टीट्यूट था वो आपको सेलेक्ट करना है, या फिर जो आपका यूनिवर्सिटी था वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आप लोग अपना क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना, जैसे कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पे आप लोग अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो जो आपका क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आप लोग ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, कोर्स का टाइमिंग, जो भी यहाँ पे ईयर लगा है वो आप बता सकते हैं, आपका जो भी परसेंटेज आया बता सकते हैं, हाईएस्ट एजुकेशन आप यहाँ पे अपना बता सकते हैं। फिर यहाँ पे एजुकेशन मोड यानी कि फुल टाइम पार्ट टाइम बता सकते हैं। फिर नीचे की तरफ यहाँ पे आप लोग अपना एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री दे सकते हैं, बाकी आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करने हैं, जैसे कि अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स है वो अटैच कर देना। फिर यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन में आपको अपना अल्टरनेटिव नंबर देना है, जेंडर मेल फीमेल हो जो सिलेक्ट कर लेना, कम्युनिकेशन एड्रेस देना है, कंट्री जो है वो आपको बताना है, स्टेट क्या है वो आपको बताना है, सिटी क्या है वो आपको बताना है, जिप कोड भी आपको एंटर करना है, और यहाँ पे आपको सारा डिटेल दे देना है, स्किल्स वगैरह, और यहाँ पे एक्सपीरियंस इन ईयर इन मंथ में आप बता सकते हैं, स्किल्स वगैरह भी टाइप कर सकते हैं। फिर नीचे की तरफ यहाँ पे ऐसा करके आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे लैंग्वेज स्किल्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। और फिर सिंपल सा काम है, यहाँ पे सारा डिटेल्स ऐड करने के बाद, देने के बाद यहाँ पे देखो सेव एंड नेक्स्ट का बटन है, जिस पे आप क्लिक करके ये प्रोफाइल अपडेट कर सकते हो और इजीली अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस प्रकार से अप्लाई करना है यहाँ पे डीमार्ट इंडिया में जॉब के लिए, नौकरी के लिए, मैंने आपको बता दिया। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा। एंड हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 वैकेंसीज हैं, यानी कि 40 प्लस यहाँ पे वैकेंसीज हैं अलग अलग पोस्ट पे। तो जो भी प्रोफाइल आपको व्यू करना है आप उस पर क्लिक करो, जॉब का प्रोफाइल अच्छे से रीड करो, और अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई के बटन पे क्लिक करके ये फॉर्म फिल करके अपडेट करके इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपको डायरेक्ट अप्लाई का पेज का लिंक चाहिए, यहाँ पे प्रोफाइल्स देखना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप इस पेज पे आ सकते हैं। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा। वीडियो कैसे लगा कमेंट बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट में बताइएगा। एंड हाँ, मैं आपको रिपीट कर दूं कि यहाँ पे फ्री में जॉब मिलता है, कोई चार्जेस नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई कॉल करके, मेल करके किसी भी प्रकार का नौकरी के लिए पैसे की मांग करें तो आपको किसी को कोई भी पैसा नहीं देना है। बाकी वीडियो को शेयर करिएगा, मिलता है नए जॉब अपडेट में। धन्यवाद।